हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा अपडेट है। ग्वालियर एंड दतिया मेडिकल कॉलेज में जो वैकेंसी कुछ समय पहले आई थी, उसमें स्कैम पाया गया है। यह टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है। यह न्यूज 11 दिसंबर 2021 को 12:19 पे अपडेट की गई है। इसमें लिखा गया है, एमपी मध्य प्रदेश में स्कैम डिटेक्टेड इन रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सेस बाई ग्वालियर दतिया मेडिकल कॉलेजेस। यानी कि दतिया एंड मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स के रिक्रूटमेंट में स्कैम डिटेक्ट किया गया है या स्कैम डिटेक्ट पाया गया है। एन इंटरनल ऑडिट बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिटेक्टेड मैसिव इरेगुलरिटीज इन द रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सेस इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एट दतिया एंड ग्वालियर। यानी कि इसका साफ मतलब है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इंटरनल ऑडिट कराया गया था, जिसमें पाया गया मैसिव इनएगुलरिटीज एट द रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सेस इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड दतिया एंड ग्वालियर। ठीक है, अराउंड 50 नर्सेस वर रिक्रूट इन दीज टू कॉलेजेस थ्रू एन एग्जाम कंडक्ट बाई एमपी ऑनलाइन। लगभग 500 नर्सेस का रिक्रूटमेंट इन दो कॉलेजेस में एमपी ऑनलाइन के माध्यम से कराया गया था। स्टेट मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, चिकित्सा एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, चिकित्सा शिक्षा विभाग हैज रिटन ए लेटर टू द डिविजनल कमिश्नर, संभागी कमिश्नर के लिए लेटर लिखा गया है चिकित्सा शिक्षा के द्वारा, एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर द मैटर। यानी कि पूरा मैटर संज्ञान में लें, विच इज नाउ बीइंग रेस्ट बाई व्यापम विस्ट ब्लोवर आशीष चतुर्वेदी एज वेल। यानी कि जो व्यापम स्कैम हुआ था, उस समय आशीष चतुर्वेदी जी ने पूरा मैटर संज्ञान में लिया था, तो इन्होंने इनके लिए ये लेटर लिखा है। कैंडिडेट्स फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी वर सेलेक्टेड विथ 41 मार्क्स, वाइल ओबीसी विथ 43 मार्क्स रिजेक्टेड। यानी कि जो 41 मार्क्स का है उसको सेलेक्ट किया गया, एंड जो 43 मार्क्स का है उसे रिजेक्ट किया गया। ही सेड वाइल ऑफरिंग सीनियर ऑफिसर इज करप्शन, यानी लार्ज करप्शन हुआ है, लार्ज स्केल में करप्शन हुआ है। ये थी हमारी टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ थी, जो हमारे मेडिकल कॉलेज थे उसमें करप्शन हुआ है। आगे देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है इसका।